बादल फटना किसे कहते हैं? बादल क्यों फटता है? पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं अधिक क्यों होती हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित चौहान और आप अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उस चैनल का नाम है एम विद रोहित चौहान यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत पसंद हो तो भाई दोस्तों में शेयर करनी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखनी है। जब भी फ्रेंड्स मैं इस तरीके के वीडियोस बनाऊं और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और चलिए फ्रेंड्स, सेशन करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स बता दूँ कि बारिश का मौसम आपदाओं का मौसम कहा जाता है। हाल ही में पहले हिमाचल प्रदेश और अब अमरनाथ जैसी पवित्र गुफाओं के समीप बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, दिल में सवाल उठता होगा कि बादल कैसे फटता है, हाउ क्लाउड इज बस्ट। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आज हम आपको बादल फटने से संबंधित विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसी स्थान पर एक घंटे के दौरान 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो इसे कहते हैं बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट की संज्ञा दी जाती है। सामान्य शब्द में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक तेज बारिश होने लगे उसे फ्रेंड्स कहते हैं बादल फटना, और इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं फ्लैश फ्लड भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये प्रश्न बनता है कि ये आखिर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में क्यों होता है। फ्रेंड्स बता दूं, जब भी भारी मात्रा पर नमी वाले बादल एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो आपस में पानी की बूंदें ये मिल जाती, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं क्लाउड बस्ट। और भी फ्रेंड्स बता दूं कि जब बादलों का घनत्व अधिक बढ़ जाता है और इससे हो जाने लगती है तेज बारिश। जब फ्रेंड्स पानी ज़मीन पर बहुत तेज़ी से गिरता है, एक जगह कई लाख लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है, इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, पानी के साथ मिट्टी मलबा बह जाने कारण अत्यधिक नुकसान होता है, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना। अब फ्रेंड्स यह एक प्रश्न बनता है कि आखिर यह पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों बादल फटते हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं कि यह जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बादल वहाँ पर जाकर टकराते हैं और वहीं से मूसलाधार बरसात होने लग जाती है, तो फ्रेंड्स इससे काफ़ी नुकसान होता है, घर के घर बहते हुए चले जाते हैं, बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हमें बादल फटने की पुरानी भी घटनाएँ काफ़ी हुई हैं, जैसे कि अमरनाथ गुफाओं में बादल फटे हैं, आपके जो बद्रीनाथ धाम में बादल फटे हैं, तो जैसे कि 8 जुलाई 2022 को जम्मू कश्मीर अमरनाथ गुफाओं में फटे थे, इसमें फ्रेंड्स कुल मिला के 16 लोगों की मौत हुई थी और 40 लोग लापता। तो फ्रेंड्स ये एक प्राकृतिक एक कह सकते हैं आपदा है, तो यह इसे कहते हैं बादल फटना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा सेशन आपको कैसा लगा है? फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन रखनी है, और फ्रेंड्स आपको जो बेल आइकन दे रखी है उसको आपको ऑन रखनी है। जब भी फ्रेंड्स मैं इस तरीके के वीडियोस बनाऊं जो पुनः आपको मिलती रहे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। और चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ में, तब तक नमस्कार दोस्तों।